तो ये हम अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रहे हैं, इससे खुशबू भी बहुत प्यारी हो जाएगी और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इससे लिया है और अब इसमें एक पीस ये इसका रख के मैं चक्कर देखती हूँ। बहुत मज़े के, बहुत मज़े के। बाज़ार का छोड़ देंगे आप, जिस दिन आपने घर में बना लिया ना, बाज़ार से खाना छोड़ देंगे। इतना मज़ेदार और यमी और इतना फटाफट बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। बस बैठे बैठे अचानक से मूड हुआ कि दही बड़े बना लिए जाएँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो ये देखें, आधा किलो दही है, इसको मैं फेंट रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से फेंट सकते हैं, ज़रूरी नहीं इससे फेंटे, लेकिन बस टाइम ज़रा कम लगता है इसलिए मैंने ये ले लिया। इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे हम और देखें 1 टेबल स्पून भर के नहीं लिए मैंने, कम लिए पिसी हुई चीनी, और इसको हम बीट कर लेंगे। देखिए झटपट से काम हो गया हमारा, वरना भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता और टाइम की कमी है, तो बस इसीलिए मैंने जो है काम इससे कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, आधा कप पानी डाल के फिर फेंट लेते हैं। बस ये तैयार हो गया, इसको आप उठा के फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से चिल हो जाए। देखें 1 कप मैंने ले लिया है ये बेसन, 1 कप बेसन है और मैदा, ये सॉरी ये है वाइट दाल का आटा, माश की दाल का आटा जिसे कहते हैं ना, माश की दाल होती है सफ़ेद कलर की, ये वो वाला हमने माश की दाल का आटा ले लिया है 1/4 कप। देखें ये 1/4 कप माश की दाल का आटा है, और कुछ लोग बनाते हैं सिर्फ पीली दाल के दही बड़े, कुछ बनाते हैं सिर्फ सफ़ेद दाल के दही बड़े, कुछ बनाते हैं सिर्फ बेसन के दही बड़े, और कुछ दोनों दालों को मिक्स करके बनाते हैं। तो हर तरह के होते हैं, आपकी चॉइस है। हम भी बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हम बना रहे हैं वो है वाइट दाल का आटा, मैंने बाज़ार से तैयार ले लिया है क्योंकि अचानक दिल चाह रहा था और ये मेरे पास यही अवेलेबल था, वरना हम दाल निकालते उसको पीसते और फिर बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाना था। तो ये दाल मेरे पास आटा मौजूद था वाइट दाल का, ये हमने ले लिया 1 कप बेसन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा पिसा हुआ और भुना हुआ 1 टीस्पून, ठीक है। ये 1 टीस्पून ज़ीरा हो गया और इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको फेंट लेंगे पानी डाल के, चीज़ों को मिक्स कर लें और उसके बाद से पानी से डाल के, आप हैंड मिक्सर से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैंने ये इसलिए किया है कि ज़रा जल्दी काम हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा हो तो उससे भी जाएगा, ज़रा सी बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये देखें हमारा स्मूथ हो गया। अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आनी चाहिए, ये देखें फौरन एकदम स्मूथ सा भी है और ये लिक्विड इस तरह रनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत बनाइएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी मत बनाइएगा, बस ये इतना परफेक्ट है। देखें बैटर हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये देखें बिल्कुल स्मूथ और शाइनी सा हो गया तैयार। अब हम इसमें क्या करेंगे कि
डालना शुरू करते हैं, जितने बड़े छोटे आपको बनाने हैं उसी लिहाज से। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले ज़रा सा चेक कर लेते हैं हम पोजीशन क्या है इसकी। अभी थोड़ा ठंडा है तेल, थोड़ा गर्म हो जाए। ये देखें गरम हो गया ऑयल हमारा। अब इसमें हम डालते जाएंगे अपने दही बड़े, जितने बड़े आपको डालने हो। थोड़े छोटे ही डालिएगा क्योंकि ये फूल भी जाएंगे। भी इसे हल्की आंच पे बनने देना है, जल्दी मत कीजिएगा वरना क्या होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि अंदर गुठली रह जाती है, तो वो यही है मसला कि बहुत तेज़ चूल्हे पे बनाते हैं, अंदर गुठली रह जाती है, ऊपर से पक जाते हैं। स्लो आंच पर पकाएंगे तो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएंगे और गुठली की शिकायत भी आपकी ख़त्म हो जाएगी कि गुठली बन जाती है। देखें डालते कितने अच्छे फूल गए ना, ये बस यही पहचान है कि आपका जो मटीरियल है बहुत अच्छा बना है। देखें इसको पलट लें, आप देख रहे हैं कैसे बॉल सी बन गई है ज़बरदस्त। अगर हाथ से हम करते ऐसे हो तो जाता, लेकिन टाइम बहुत लगता है। आप ये मत समझिएगा कि मशीन नहीं तो ये नहीं बनेंगे, बड़े अच्छा हाथ से भी फिट जाता है, बस मैंने वक्त की बचत की वजह से किया है। और देखें बाज़ार से जो आपने देखा है कि रेडीमेड पैकेट मिलते हैं, वो बेसन भी अगर आप ला के बनाते हैं तो इसी तरह वो भी फूले फूले से बनते हैं। तो जब हम घर में इतने अच्छे साफ सुथरे तरीके से बना सकते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको बाजार से लाने की, घर में बनाया करें। जो चीज़ घर में साफ़ सुथरी आप अपने हाथ से बना सकते हैं वो बाज़ार में नहीं मिलती है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट ये हमारे तैयार हो गए, बस अब इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए हम थोड़ा सा डालते हैं बिल्कुल, और ये खुद बखुद फूल के कितना बाउल सा बन जाता है। बिल्कुल ये आधा चमचा मैं डालती हूँ, आधे चमचे से भी कम, और देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी से फूल के ज़बरदस्त सा वो बाउल बन जाता है फौरन से। जितनी आपके पैन में गुंजाइश है उतने ही आप डाल लें। ये जब तक हमारा तैयार हो रहा है दूसरा बैच, जब तक हम क्या करते हैं ये देखें, मैंने एक लिया था पैन और इसमें मैंने नमक डाल के तैयार कर लिया था। ये देखें इधर एक बर्तन में मैंने पानी लिया, पानी में थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच नमक डाल के और ये जो उतरे थे इसमें डाल दिए मैंने अपने पकौड़े और दही बड़े। अब इसको क्या करेंगे हम पानी को ऐसे निचोड़ के और इसके अंदर हम रखते जाएंगे, ऐसे हल्के हल्के हाथ से पानी निकाल दें, सारा ऑयल भी इसके साथ साथ निकलता रहेगा। ये देखें ये तरीका होता है, इस तरीके से आप निकाल देंगे। दही बड़े देखें आपके कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए। देखें ये देखें ये ऐसे करके पानी निकालेंगे ऐसे करके, और ये आपके बिल्कुल जिस तरह बाज़ार में दही बड़े आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल वही आपको देखने लगेंगे। ये देखें ये देखें ठीक है, ये इस तरह रखते जाएं। ये देखें ये हमारे दूसरा बैच भी तैयार हो गया और ये हमने डाल दिए इसमें, बस दो मिनट बाद जब ये ज़रा सा हाथ लगाने के काबिल हो जाए ठंडे हो जाएंगे ज़रा से और अभी फूल के बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम निकाल के अपनी सर्विंग डिश में रख लेंगे। ये देखें ये है छोटा सा पेड़ा, ये मैंने मैदा लिया और मैदे में थोड़ा सा मैंने डाला है ज़ीरा नमक और मैंने यही खड़े खड़े से गूंद दिया इतना सा। अब मैं कहा जब दही बड़े बना रहे हैं तो पापड़ी भी मौजूद होनी चाहिए, मेरे पास फिलहाल पापड़ी नहीं थी, मैंने कहा इसकी पापड़ी बना लेते हैं। ठीक है तेल गरम है, हाथ के हाथ फटाफट से पापड़ी बन जाएगी हमारी। ये देखें
ये हमने दो बना लिए, बस इतना ही मैंने आटा लिया था। आटे में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और आधा चम्मच ऑयल का लेके इसमें डाल देंगे और हमें बस पतली पतली सी बेल के और बिल्कुल स्लो आंच पर इसको हम फ्राई कर लेंगे। जहाँ हम निकालेंगे अपने ये दही बड़े, उसी तेल में डाल के हम फ्राई कर लेंगे और हमारे दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और ये चाहें तो आप पापड़ी बना के रख भी सकते हैं, जब वो छोलों की चाट वगैरह बनाते हैं उसके साथ यूज़ कर लें। और कुछ लोग दही बड़ों के साथ भी अच्छा लगता है, मुझे तो दही बड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है पापड़ी, तो इस वजह से मैंने फ़िलहाल नहीं भी मौजूद तो मैंने फटाफट से घर में मैंने का बना लेती हूँ। ये पकौड़े हमारे हो गए, दही बड़े सॉरी, तो ये निकालते हैं और अपनी पापड़ी डाल देते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सिलो आंच पे बनेगी। देखें बार बार मैं हर काम जो सिलो आंच पे कहती हूँ उसको सिलो आंच पर ही करना होता है कि इसका पानी अंदर से बिल्कुल खुश्क होगा ना, तो फिर ये अच्छी बनेगी। ये देखें ये तो पूरी की तरह फूल गई है, देख रहे हैं आप। लेकिन इसको क्रिस्पी करेंगे हम तो ये पापड़ी भी बड़ी मज़े की फूली भी बनेगी। बिल्कुल सिलो आंच पे इसको पकने दें, काफ़ी टाइम लगेगा इसको, हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। चले ये देखें अब हमारी दही बड़े हो गए तैयार, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं ये। अब हम इसमें तैयारी कर लेते हैं इसको ड्रेसिंग की या सर्व करने की। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा पतली दही मत रखिएगा, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हम पानी में डिप कर चुके हैं तो इसका गाढ़ी दही के साथ ही मज़ा आएगा। कुछ लोग दही तो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं लेकिन उसको इतनी पतली कर देते हैं कि वो दही ज़्यादा नहीं होती बल्कि बेकार लगती है। आप चाहे दही थोड़ी डालें लेकिन गाढ़ी दही डालें ताकि खाने में उसको मज़ा आए। फ़ायदा कुछ नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा दही डाल देते हैं पानी, मतलब ज़्यादा के चक्कर में पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर उसका सारा ही मज़ा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप कम डालें लेकिन अच्छी चीज़ डालें। अच्छा अब मेरे पास है कुछ मीठी चटनी, तो मैं ये मीठी चटनी डाल देती हूँ। ये है मेरे पास रेड चटनी, थोड़ी सी आप खट्टी मीठी चटनी होती है ना, ये वो चटनी है। अगर आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन में तो मैं आपको इसका बता दूंगी कि ये कैसे बनती है। ठीक है ये हो गई मीठी चटनी, अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी अपनी हरी वाली चटनी। इसका भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे बनती है हरी चटनी, आई बटन में आप चेक कर लीजिएगा तो आपको उसके अंदर रेसिपी मिल जाएगी हरी चटनी की। देखें पापड़ी हमारी तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं और ये चूल्हा कर देते हैं बंद। हरी चटनी आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल दीजिएगा। अच्छा अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे लाल पिसी हुई मिर्चें, लाल थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें। अच्छा एक देखें एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये है दही बड़ों की जान। अगर आपने ये नहीं डाला तो समझें कि दही बड़ों में मज़ा ही आपको इतना नहीं आएगा। दही बड़े तो वैसे खुद ही बहुत मज़ेदार हैं लेकिन अगर ये डाल देंगे तो आप समझ लें कि आपका 80% जायका और मज़ीद बढ़ जाएगा। क्या चीज़ है वो ये देखें, ये है गोल वाली जो मिर्चें होती है ना साबुत, इसको भून के और इसको दरदरा सा कूट लें। ये है साबुत धनिया, इसको भी भून कर और इसको कूट लें। ये है काला नमक और ये है ज़ीरा, इसको भी भून कर पीस लें। अब मैंने आपको दिखाने के लिए जो है सब कुछ अलग अलग रखा था, इसको आप ऐसा करेंगे कि इसको मिक्स करके एक बोतल में भर के रखेंगे और जब भी आपको दही बड़े बनाने होंगे ना आप इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे, इसको मिक्स करके आप रखें और दही बड़ों के साथ ये मसाला ज़रूर रखें, समझे ये दही बड़ों की जान है। इतना टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है इसको डालने से कि दिल चाहता है खाए जाओ।
तो ये हम अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रहे हैं, इससे खुशबू भी बहुत प्यारी हो जाएगी और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इससे। ये लीजिए, ये तो हमारे हो गए दही बड़े तैयार। ठीक है, अच्छा अब एक दही बड़े ये तो हो गए नमकीन। अब बेटा जो है मेरा वो खाता है मीठे दही बड़े, तो इसी को हम मीठे दही बड़े कैसे तैयार करते हैं मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये हमने एक बाउल ले लिया सिर्फ उनके लिए बनाने हैं, तो मैं वन सर्विंग के हिसाब से ही बना रही हूँ, बस जितना उन्हें खाना है वो खा लेंगे, बाकी दूसरा अगर कोई टेस्ट करना चाहेगा तो कर लेगा। ठीक है, ये हम बना रहे हैं, दो बंदे आराम से खा लेंगे इतना। ठीक है ना, ये हमने डाल दिया। अब जो मेरे पास ये दही है ना, इस दही के अंदर मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी। अब वो ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा, तो मुझे ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं उनको ज़्यादा मीठा नहीं दूँगी वो खाएंगे ही नहीं दही बड़े, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। लेकिन अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी अपने हिसाब से डालेंगे। नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं, थोड़ा सा नमक तो लाजमी होता है, चाहे आप मीठे बनाएंगे तो भी इसमें नमक थोड़ा सा शामिल ज़रूर करेंगे। और ये आप इस पर डाल दें, ये देखें, अच्छा अब इसके अंदर वो तो मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं, वरना अगर मेरे बस में हो तो मैं इसके अंदर ज़रूर कलरफुल सी चीज़ें डालूंगी तभी मज़ा आएगा, लेकिन उनको ऐसे ही पसंद है तो वो इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, तो उनके लिए मैं ऐसे ही रखती हूँ। ठीक है, तो आप आइए इसका देख लेते हैं लुक कैसा लग रहा है, फिर मैं आपको खा के बता दूँ। ये देखें पापड़ी हमारी तैयार है, देख रहे हैं आवाज़ इसकी, देख लेना। चलिए हम इसको चख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला भी डाल दिया है, और अब इसमें एक पीस ये इसका रख के अब मैं चक्कर देखती हूँ। बहुत मज़े के, बहुत मज़े के, बाज़ार का छोड़ देंगे आप, जिस दिन अपने घर में बना लिए ना बाज़ार से खाना छोड़ देंगे, इतना मज़ेदार और यमी और इतना फटाफट बन गया। ये मीठे वाले भी चख लेते हैं कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपने बंसरी उठ के खाए होंगे ना, फेमस है यहाँ के बहुत ज़्यादा, बस इसको थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत है, इसको ठंडा करके फ्रिज में खाएंगे तो बिल्कुल बंसरी उठ वाले आपको लगेंगे, बहुत यमी मज़ेदार। और ये आप तो मसाला डाल के खाइएगा, ये ऐसे ही खाते हैं, लेकिन आप मसाला डाल के खाएंगे बहुत ज़बरदस्त बने। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा बना के खा के, और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका कैसे बने, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।